जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी चीज़ की शॉप है, आप सुबह के समय में शॉप ओपन करते हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी प्राइस ओपनिंग प्राइस जो भी हो, लेकिन किसी ऐसे सिचुएशन के वजह से अगर प्राइस लगातार उसके गिरने लगे, हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि उस दिन मार्केट में कोई दिखाई ना दे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए, या हो सकता है कि कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए जिसकी वजह से मार्केट में मंदी आ जाए, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कि RBI अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दे, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके प्राइस लगातार मान लीजिए कि गिर रहे हो, तो कुछ चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये आपका ओपनिंग प्राइस है और इसका मान लीजिए कि ये हायर प्राइस है, और लगातार प्राइस गिरते गिरते यहाँ पे आया और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है और इसका लोअर प्राइस है, तो इस केस में इसका ओपनिंग प्राइस और हायर प्राइस दोनों सेम है। सेम का मतलब ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना जरूरी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम होना चाहिए, और जो उसका लोअर प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। और ठीक इसी तरीके से शेयर बाजार में भी अगर ज़्यादा शेयर की को लोग बेच रहे हैं तो उसके प्राइस लगातार गिरते जाते हैं और चार्ट कुछ ऐसे ही दिखाई देता है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्राइस लगातार गिर रहे हैं मतलब मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस केस में या तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या मार्केट से बाहर हो सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के केस में जैसे मान लीजिए कि मार्केट उस दिन 15 रुपये के प्राइस पे ओपन होता है और 10 रुपये के प्राइस पे मार्केट आके क्लोज हो जाता है, तो जब भी ये पैटर्न बने, जब भी इस तरह का पैटर्न दिखाई दे, तो नेक्स्ट टाइम जो उसका क्लोजिंग प्राइस है और जो उसका लोअर प्राइस है उस पर आप शेयर को सेल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग की पोजिशन बना सकते हैं, और जो 15 रुपये का प्राइस है, जो उस दिन का कैंडल का जो 15 रुपये के प्राइस पे शेयर ओपन हुआ था वो उसका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आप कलर पे मत जाइएगा, कलर तो कुछ भी रखा जा सकता है, जैसा कि स्टॉक मार्केट में अगर मार्केट तेज़ी में हो तो उसको ग्रीन कैंडल दिखाया जाता है, या मार्केट अगर डाउन जा रहा हो, नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो उसे हम रेड कैंडल दिखाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कलर तो कुछ भी चूज कर सकते हैं। और जब भी इस तरह का पैटर्न बने तो जनरली इस तरह के पैटर्न को स्टॉक मार्केट में हम बियरिश मारू बोजू कहते हैं, हालांकि आप नाम पे मत जाइए, एक्चुअल में आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब इस तरह का पैटर्न बन रहा है, जब ज़्यादा मार्केट में बिकवाली हो रही हो, जब ज़्यादा लोग शेयर को बेच रहे हो, तो मार्केट की कंडीशन क्या हो सकती है। आप खुद सोचिए कि एक्चुअल मार्केट में जहाँ हर रोज़ आप मार्केट करते हैं वहाँ पर अगर इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो तो क्या होगा, लोग घबरा जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्राइस पे किसी चीज़ को बेच के घर चला जाए ताकि उनको नुकसान ना हो जाए, या किसी और सिचुएशन की वजह से अगर ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, अगर प्राइस गिरने लगे तो हर कोई सोचेगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकला जाए, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन यही होती है। और यहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें कैंडल के बारे में बताई जा रही हैं ये केवल समझने के दृष्टिकोण से बताई जा रही हैं। आप जब भी इस बेस पे अगर शेयर बाय कर रहे हैं तो अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए, यहाँ पे केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही बताया जाता है, हालांकि मैं तो कभी ट्रेडिंग करता भी नहीं और ना ही ट्रेडिंग के बारे में कभी सजेस्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये आना चाहिए, कैंडल के बारे में जितने भी कैंडल फॉर्म हो रहे हैं उनकी समझ आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।